नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्लेसिंग चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप डिवाइड करना सीखेंगे, चाहे वो किसी भी लेवल की डिवाइड क्यों ना हो, चाहे वो इस लेवल की डिवाइड हो, चाहे वो इस लेवल की डिवाइड हो। आप देखते ही क्वेश्चन निकालेंगे चुटकियों में, वो भी बिना किसी कॉपी पेन की मदद से। आप सिर्फ माइंड में कैलकुलेशन या आपके हाथ में कैलकुलेशन होगी। दोस्तों, हम अक्सर सुनते हैं अपने टीचर से, अपने दोस्तों से, इवन स्टूडेंट से कि यदि आपको टेबल नहीं आती है या आपको स्केल नहीं आते हैं तो आप मैथ को फास्ट वे में नहीं कर सकते। लेकिन आप इस वीडियो के माध्यम से आपको पता लगेगा कि आप स्टेप टू स्टेप वीडियो को देखें, आपको पता लगेगा कि आपको खुद को महसूस होगा कि आपके लिए मैथ कितना आसान होता जा रहा है। यदि आपको मैथ नहीं आता या थोड़ा सा वीक है तो आपको इस वीडियो के माध्यम से पता लगेगा कि आपको मैथ कितने फास्ट वे में आप सीख पा रहे हैं। दूसरी बात, हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमसे कोई ये नहीं पूछता कि आपको टेबल आती है या आपको स्केल आते हैं। आपके आगे क्वेश्चन होता है और ऑप्शन होता है, तो क्यों ना हम कोई ऐसी ट्रिक के साथ पढ़े कि आपके आगे ऑप्शन हो और ऑप्शन देखते ही आप आंसर का आपको मालूम पता लग जाए। हम सीखेंगे सम डिजिट की मेथड से, हम सीखेंगे जिसकी टेबल है ये जो आपकी आंखों के आगे है। आप तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं और भी वीडियो बनाकर डालूंगा अपने चैनल में जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर के लिए होगी। दूसरी बात, आप जो बेल का ऑप्शन है उस पर भी क्लिक करें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे आसानी से। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सम डिजिट के मेथड से इसको निकालेंगे। क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। इसमें करना क्या होता है कि जो डिजिट होती है उसको सम करना होता है, जैसे कि 4 + 2 6, 6 + 4 = 10। तो हम इसको 10 लिख देंगे, और यदि इसको सिंगल डिजिट में ले जाएं तो इसको 1 + 0 = 1। तो इसका जो सिंगल डिजिट है वो 1 है। ऐसे ही हम इसको सम करेंगे हर डिजिट को, 7, 7 × 10 = 10 = 20 = 9 = 20 = 10 = 30 = 31 31 हो गया दोस्तों इस डिजिट का जो सम है 31। यदि हम इसको सिंगल डिजिट में लिखें तो 3 और 1 = 4 3 + 1 = 4। तो इसका जो सिंगल वर्ड है वो 4 है सिंगल डिजिट, और इसका 1। जो रूल है वो देखना दोस्तों, 1 जब 1 हो तो आपको 1 से डिवाइड करना है। लेकिन यहाँ पर डिवाइड नहीं करेंगे, आप गुना करेंगे दोस्तों। कैसे करेंगे मैं बताऊंगा आपको। इसका सिंगल डिजिट 4 है, इसका 1 है, तो हम ये ऑप्शन देखेंगे इसमें किसका इनका सिंगल डिजिट क्या क्या है। तो 6, 6, 4, 10 और 1 = 11। हम इसको सिंगल डिजिट में लिखें तो 1 + 1 = 2 इसका सिंगल डिजिट 2 है। ऐसे ही इसको देखें तो 8, 2 = 10 और 4 = 14 अगर सिंगल डिजिट लिखें तो 4 + 1 = 5। ऐसे ही दोस्तों इसको देखते हैं 8, 2 = 10 = 11 और 12 सिंगल डिजिट 2 + 1 = 3 और ऐसे ही इसको देखते हैं 8, 2 = 10 = 3 = 13 और सिंगल डिजिट 3 + 1 = 4। हमने इन सब की सिंगल डिजिट निकाल दी है दोस्तों। जब यदि एक है डिवाइड, एक है सिंगल डिजिट में, तो इसका रूल क्या है, 1। लेकिन हमको करना क्या है, जो आपकी डिजिट है उसमें गुना करना है एक से, एक है ना सिंगल डिजिट, तो गुना क्या आई, 4। तो जिस भी ऑप्शन में आपके 4 होगा वो आपका आंसर होगा। तो आप देखें सिंगल डिजिट में 3, 2, 5, 4 तो आपका आंसर है सी। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, 1 + 1 = 2 इसकी सिंगल डिजिट है 2। अब इसको देखते हैं 8, 10, 10, 3, 9, 19, 19 और 2 22 और 22 की सिंगल डिजिट 2 + 2 = 4
रूल क्या है, दो से डिवाइड हो तो हमको पाँच से गुना करनी है, दो से गुना हो तो पाँच से गुना करनी है। तो हमको करना क्या है कि ये जो हमारा जो डिजिट आई है उसको पाँच से गुना कर देंगे, पाँच चौके 20, और इसकी यदि सिंगल डिजिट निकाले तो 2 + 0 = 2। अब हमको इसकी सिंगल डिजिट निकालनी है ऑप्शन की, 6 3 9 9 2 11 11 सिंगल डिजिट 2 1 + 1 = 2। ऐसे इसकी 5 3 8 8 और 2 10 और सिंगल डिजिट 1। ऐसे ही 6 3 9 1 10 2 12 सिंगल डिजिट 3 1 + 1 3। ऐसे ही 6 3 9 9 2 11 और 11 2 13 सिंगल डिजिट 4। अब हमको ये देखना है कि 2 किस में आया है, तो इसमें दोस्तों किस में आया है, सिंगल डिजिट 2 इसमें आई है, तो आपका आंसर है ये। आप कैलकुलेटर से निकाल के देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आएगा, इस टेबल के अंदर 3 6 9 तो है ही नहीं, आप यदि 3 6 9 हो तो कैसे निकालोगे आगे जो आंसर है आपका, तो वो आपको जब आप आगे वीडियो देखेंगे तो आपको इसकी एक कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी। अब थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, 4 और 1 5 सिंगल डिजिट 5। अब इसकी ओर देखते हैं दोस्तों, 8 4 12 2 14 14 और 2 16 1 17 सिंगल डिजिट 8। रूल क्या था, यदि डिवाइड में 5 हो तो आपको 2 से गुना करनी है ऊपर, तो 8 आपकी डिजिट थी, 8 × 2 8 × 2 = 16। यदि हम इसको जोड़े तो 6 और 1 = 7 आपकी डिजिट आई है 7। और ऑप्शन में देखते हैं 6 6 और 2 8 3 2 5 और 2 7। तो इसको ये देखते 4 5 6 और इसको 3 1 4। तो दोस्तों देखते हैं कि 7 जो आपकी डिजिट है वो किसमें है, इसमें है 7, तो आपका आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, ऐसे ही दोस्तों 5 2 7। अब इसको भी देखते हैं कि 6 5 10 15 16 16 और कितना हो गया दोस्तों ये 6 6 12 1 13 13 6 19 19 और 5 24 सिंगल डिजिट 6। तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या था कि जब 7 हो टेबल में, देखना दोस्तों, तो आपको 4 से गुना, तो आपकी जो सिंगल डिजिट थी 6 6 24 4 2 6 आपकी 6 सिंगल डिजिट आई है। तो आपको इसमें देखना ऑप्शन में क्या है, 12 12 3 15 6 12 12 3 15 6 1 10 5 6 11 और 3 14 मतलब 5 6 4 10 और 3 13 मतलब 4 6 3 9 10 मतलब 1। तो आपका 6 किस में है दोस्तों इसमें, तो आपका आंसर ये है। आपके दिमाग में एक कन्फ्यूजन और होगा कि अगर सेम आ जाए तो क्या हो, तो वो भी एक कन्फ्यूजन आपकी मैं आगे दूर करूंगा। आप फोर्थ क्वेश्चन पर आए पहले, 6 1 7 1 8 तो आपकी जो सिंगल डिजिट है वो आई है 8। ये आगे देखें दोस्तों, 8 8 16 1 17 17 18 19 20 21 21 21 और 6 27 28 29 30 आपके जो सिंगल डिजिट है वो आई है 30 मतलब 3। तो मैं फिर करके देखता हूँ, थोड़ी सी कंफ्यूजन लग रही है,
6 6 4 10 10 10 10 20 और 7 27 और 3 30, 30 ही है दोस्तों। तो रूल क्या है, यदि आपका 8 है तो आपको 8 से ही गुना करनी है, और इसकी सिंगल डिजिट होगी 3, तो आप 8 को 3 से गुना करेंगे, 8 3 24, तो इसकी जो सिंगल डिजिट है वो 6 आई है दोस्तों, 4 प्लस 2 6। अब हम इसमें देखते हैं, 8 4 12 1 13 14 15, मतलब 6, 1 प्लस 5 6, 8 4 12 13 14, 8 4 12 13 14 15, मतलब 14, मतलब 5, 8 4 12 1 13, मतलब 4, और इसको देखते हैं 10 और 2 12, मतलब 3, 5 5 10, इसमें ही देखते हैं कि दोस्तों 6 कहां पर आया है, तो 6 इसमें आया है, तो आप आंसर ये है, आप भाग कर देखें, डिवाइड करके देखें, आपका आंसर ये है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और होगा कि यदि टेबल में 3 6 9 तो है ही नहीं कहीं पर, तो यदि जो सम है वो 3 6 9 में आए डिजिट का, तो आपका आंसर कैसे निकलेगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं 3 से डिवाइड कौन से अंक होते हैं जिसका जोड़ 3 से भाग होता हो, 3 या 9 से, तो देखें हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। हम इसको 9 से भाग करते हैं, 9 एकम 9, ये पहले इसको ऐसे करके देखते हैं, 9 2 11 18 18, मतलब 9 नौ डिजिट आती है, 9 तो इस टेबल में है ही नहीं जो हमने टेबल निकाली थी, तो हमको करना क्या है, इसको 9 से डिवाइड कर देते हैं, 9 एकम 9 9 3 27, ऐसे ही हम इस तरफ भी भाग करते हैं, 9 एकम 9 9 45, मतलब 45 5 9 6 54, 9 2 18 9 3 27 9 6 72। अब दोस्तों इसका सिंगल डिजिट निकालते हैं, तो 3 और 1 4, अब इसकी ओर निकालते हैं, तो हम निकालेंगे 10 10 20 21 और 3 24, मतलब 6, और हमने हमारे पास जो टेबल थी उसमें यदि डिवाइड में 4 है तो आपको 7 से मल्टीप्लाई डिविजन करनी है, तो आपको 6 गुना में 7 7 6 42, 4 और 2 6, सिंगल डिजिट आई 6। तो अब हम इसमें देखेंगे कि 6 किस में है, तो 5 5 10 और 6 16, मतलब 7। अब इसको देखते हैं, 6 4 10 और 5 15, मतलब 6। इसको देखते हैं, 7 3 10 और 2 12, मतलब 3, 8 4 12। इसको देखते हैं दोस्तों, 11 11 3 14, मतलब 5। जो आपका जो वर्ड है 6, तो आपका 6 किस में है, इसमें है, तो आपका आंसर है। ऐसे ही इसी इस क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों, 1 2 3, तो आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3 3 9 3 7 21, ऐसे ही 3 दूनी 6 6, 3 चौक 12 3 चौक 3 दूनी 6 3 चौक 12, फिर 3 7 21 3 दूनी 6 3 दूनी 6,
तो हम इसका जो ये बार निकालेंगे सिंगल डिजिट, तो 7 × 10 मतलब 1, सम डिजिट 1। वैसे ही इसको निकालेंगे 7 × 10 = 11, 11 और 6 = 17 मतलब 8। तो हमारा जो रूल था दोस्तों, एक हो तो आपको एक से ही गुणा करना, नहीं तो मतलब 8 × 1 = 8। तो हम यहाँ पर देखते हैं 8, 10, 11, 11 और 7, 6, 17 मतलब 8। अब इसकी सिंगल डिजिट देखते हैं दोस्तों, 7 × 10, 8 × 4 = 12, 12 × 6 = 18 मतलब 9, 12 × 3 = 15 मतलब 6, और यहाँ पर 12 × 5 = 17 मतलब 8। अब ऐसी कंडीशन में क्या करें कि यहाँ पर भी 8 डिजिट आ गए और यहाँ पर भी 8 आ गए, तो आपको एक लॉजिक लगाना है कि हमारा जो 6 किस में आएगा, लास्ट में 6 किस में आएगा, क्योंकि हमारी जो डिजिट है उसमें 6 है। यदि आप 6 गुना में 1 करेंगे तो आपका क्या आएगा, 6। तो आपका जाहिर सी बात है कि आपका आंसर यह है, क्योंकि 5 तो है ही नहीं, तो आपका आंसर यहाँ पर इस कंडीशन में आपका जो आंसर है आपका ये होगा। आप भाग कर कर भी देख सकते हैं। ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ, सपोज कि ये है आपके आगे, तो आप इसको 3 से गुणा भाग करें, 3 × 3, 3 × 3, ऐसे ही 3 × 8 = 24, 3 × 6 = 18, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, सिंगल डिजिट 2। बीच में देखना दोस्तों, 8 × 8 = 12, 13 × 14, 14 × 2 = 16, 16 × 4 = 20, 20 × 5 = 25 मतलब 7, 2 + 5 = 7। तो हमारी जो टेबल में था तो उसमें 2 हो तो आपका 5 होता है, तो 2 से डिवाइड है, तो आपको इसको मतलब है कि आपको 5 से गुणा करनी है, 7 × 35 = 8, 8 सिंगल डिजिट। तो हम यहाँ पर देखते हैं 8 × 4 = 12, 12 मतलब 3, 8 × 4 = 12, 12 × 2 = 14 मतलब 5, 8 × 5 = 14, 14 × 4 = 18 मतलब 9, 8 × 4 = 12, 12 × 5 = 17 मतलब 8 आंसर है ये। अब दोस्तों ये टेबल कैसे याद करें, ये भी एक दिक्कत हो सकती है किसी दोस्त के अंदर कि ये टेबल कैसे याद करें। मैं आपको ये टेबल याद करना भी बताता हूँ, 1, 1, 2, 5, 4, 7, 8, 8। तो आप इस टेबल में 3, 6, 9 तो है नहीं, आप इसको कैसे याद करें, आप एक डिजिट को याद रखिए, 1 × 1, 1, 2 × 5, 10 मतलब 1 सिंगल डिजिट। वैसे ही 7 × 4, 4 × 7 = 28 मतलब 8 और 2 × 10 मतलब सिंगल डिजिट 1। ऐसे ही 8 × 8 = 64, 6 × 4 = 10 मतलब 1। आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।